चैनल। और ये जो मैं बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपके लिए है। और बेसिकली मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे कि आपको पता होगा कि टेक फेस्ट हर एक कॉलेज में ऑर्गेनाइज होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि IIT बम्बई, IIT रुड़की, IIT दिल्ली, IIT मद्रास सभी जगहों पे IIT में जा कर के देखना आप। बेसिकली वहाँ पे हर एक साल टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि टेक फेस्ट में हर एक स्टूडेंट के पास जो भी टैलेंट होता है वो टैलेंट को नेशनल लेवल पर एक्सप्लोर करते हैं और वो अपना टैलेंट को उभार के लेके आते हैं नेशनल लेवल पर, एक अपनी पहचान बनाते हैं उस टैलेंट के थ्रू। तो अगर यदि आप भी पहचान बनाना चाहते हो तो एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लेकिन 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 गाइज थोड़ा सा वेट करो, अभी अभी तो कहानी शुरू हुआ है। थोड़ा सा वेट करो, पहले समझ लो ये लिंक आपके लिए नहीं है, ये लिंक है उन लोगों के लिए जो लोग इसमें इनरोल करेंगे एज ए एम्बेसडर। ठीक है, एज ए एम्बेसडर, कैंपस एम्बेसडर मतलब कि जो कंपनी बाहर से आएगी तो कैंपस लगाएगी, तो कैंपस में हम लोगों को हैंडल करना है, वहाँ पे कैसे कैसे हैंडल करना है, क्या क्या करना है, वो चीज़ें करने तो कैंप हम लोग को पहले हैंडल करना होगा। हैंडल करने के लिए हम लोग को एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, उस टीम को ही यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो उस टीम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो मतलब कि कैंपस एम्बेसडर आप बनना चाहते हो तो इस फॉर्म को भरना। लेकिन यदि आप उसमें एज ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसका लिंक 28 से एक्टिवेट होगा। तो 28 तारीख को एक्चुअली रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म हम लोग भरवाएंगे जिसमें कि आपको एक और वीडियो इसके रिगार्डिंग मैं बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात क्लियर करता हूँ कि ये जो फॉर्म भरेंगे हम लोग वो प्रभा टेक फेस्ट के मेंबर्स के लिए भरेंगे जिसमें कि हम लोग एज ए वर्कर काम करेंगे। जानकारी के लिए बता दूँ कि इसमें बेसिकली काम कुछ ज़्यादा नहीं करने हैं, बेसिकली आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए जाएंगे जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको अपने ईमानदारी पूर्वक करना है। तो यदि आप चाहते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जो टेक फेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं उसमें आप चाहते हैं कि एज ए वॉलेंटियर बोल सकते हो या एज ए मेंबर आप काम करना चाहते हो तो इस फॉर्म को भरना। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है तो लिंक 28 तारीख को एक और ओपन होगा, उसके बारे में मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो उसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। तो वहाँ से आप जाकर उस चीज़ को भर लेना। अभी जो हम लोग ये रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो बेसिकली हम लोग कर रहे हैं केवल एम्बेसडर के लिए। तो आप यदि एम्बेसडर में इंटरेस्टेड हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके आप जाकर एक अप्लाई कर लेना। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है। तो गाइस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यही बात है कि ये नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है और साथ ही साथ मेरे साथ यानी कि हमारे टीम के साथ जो लोग जुड़ेंगे उनको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा जो कि सबसे बेहतर आप लोगों के लिए एक अपने टैलेंट को शो अप करने का एक आपके पास एक सर्टिफिकेट रहेगा जो कि आपका एक टैलेंट को शो करेगा कि हमारे पास ये टैलेंट है और वो भी नेशनल लेवल से आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रभा टेक फेस्ट 21 जो मैंने अभी बोला वो बेसिकली है क्या। तो जैसे कि मैं बता दूं आपको सिंपल भाषा में कि जैसे गाइज हर एक कॉलेज में जैसे आप IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, IIT दिल्ली ऐसे सभी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में देखना वहाँ पे हर एक साल एक टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है जो कि टेक फेस्ट का मोटिव होता है कि आपके अंदर कोई सा भी एक टैलेंट हो जैसे कि आप क्रिकेट में हो या आप गेमिंग में हो या आप आर्टिस्ट में हो या आप कुछ भी में हो कि कोई सा भी फील्ड में आपके पास एक टैलेंट है तो उस टैलेंट को उस टेक फेस्ट में आपको प्रमोट किया जाता है। ठीक है ना गाइज, तो उस टैलेंट को आपको प्रमोट किया जाता है। तो इसी तरीके से मेरे कॉलेज में भी एक प्रभा टेक फेस्ट 21 के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन अभी हम लोगों ने स्टार्टअप किया था। हालांकि इसका स्टार्टअप मेरे कॉलेज के कुछ सीनियर्स जो कि 2022 में ही स्टार्ट किए थे, बट इस साल का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग इनिशिएटिव कर रहे हैं। तो हम और हमारी टीम इसमें मतलब दिन रात एक करके काम कर रही है। जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है वो नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है और इस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग का मोटिव ये है कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके इसमें हम लोगों के साथ पूरा ऑल इंडिया से स्टूडेंट जुड़े और अपने टैलेंट को यहाँ पे शो करे और उनको एक वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाए जो कि उनका टैलेंट को वो चीज़ नेशनल लेवल पे एक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो इस मतलब कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हम लोगों को राउंड करने के लिए कुछ ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत पड़ेगी जो कि कैंडिडेट जो हो वो सिंसियरिटी के साथ अपने काम को करें। तो वैसे हमारे कॉलेज में तो कुछ स्टूडेंट हैं जो कि इस पे काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस भी है उन लोगों का और
आगे भी वो लोग अच्छा से काम करेंगे। तो गाइस यदि आपको इस सब में मन लगता है, आपको ये सब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर आप भी हमारे ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं, कैंपस एम्बेसडर बनना चाहते हैं, तो लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद से एक व्हाट्सअप ग्रुप आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप ग्रुप पर जा करके आप ज्वाइन कर लेना, और जैसे ही आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन करोगे तो आप हमारे टीम के मेंबर हो जाओगे, यानी कि आप सीए बन जाओगे। सीए दैट मीन कैंपस एम्बेसडर बन जाओगे। तो कैंपस एम्बेसडर को एक वैलिड सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और उनको एक रिस्पांसिबिलिटी से तरीका से काम करने को नेशनल पे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, जो कि आप लोगों के लिए बेहतर होगा गाइस। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप लिंक जो डिस्क्रिप्शन दिया है जा करके वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग रजिस्ट्रेशन करें, चूँकि हम लोग को जितना बड़ा अपना टीम खड़ा रहेगा उतना ज़्यादा हम लोग इफिशेंसी के साथ काम कर पाएंगे, और नेशनल लेवल पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसको और ज़्यादा सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो गाइस सबसे पहला काम है आपको लिंक पे जाकर क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करके आपको प्रभा टेक फेस्ट के जो भी रजिस्ट्रेशन के फॉर्म है उसको फिलअप करके आप सीए बन जाएंगे, यानी कि हम लोगों के साथ आप काम करने की एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर लेंगे। इतना तक क्लियर हो गया। देन उसके बाद से हम लोगों का टेक फेस्ट जो ऑर्गेनाइज किया जाएगा वो 5 जून से 10 जून तक किया जाएगा, जिसमें कि ऑल ओवर के इंडिया के स्टूडेंट पार्टिसिपेट करने वाले रहेंगे और वो अपना टैलेंट को शो करने वाले रहेंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि ये जो हम लोग का प्रवाटे होगा, वो वर्चुअली होगा, यानी कि ऑनलाइन में होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन में अभी आप अपना टैलेंट को शो कर सकते हैं, बट आप अभी सीए के लिए फॉर्म भर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमको एज ए स्टूडेंट पार्टिसिपेट करना है, तो उसका लिंक आपको 28 तारीख से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो मैं एक 28 को एक और वीडियो पोस्ट करूँगा इसके रिगार्डिंग, जिसमें क्या मैं आपको एक्सक्रॉल करके बताऊंगा कि कैसे आपको वहाँ पे जाकर के रजिस्टर करना है एज ए कैंडिडेट आपको पार्टिसिपेट करने के लिए। बट अभी जो फॉर्म हम लोग भरवा रहे हैं वो फॉर्म भरवा रहे हैं सीए कैंडिडेट के लिए, जो कि वो एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर ले और हमारे साथ कनेक्ट हो जाए और नेटवर्किंग का एक तरीका से बोल सकते हो कि काम करे हमारे साथ जुड़ करके, जो कि नेशनल पे ये काम करेंगी, और हम लोग के साथ बहुत सारे कंपनी का कॉन्टेक्ट होगा और कंपनी से हम लोग कॉन्टेक्ट करके स्पॉन्सरशिप हो गया, कोडिंग हो गया, या कोई भी जो टैलेंट होता है उनके साथ टाइप करके हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को रन करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग अगर चाहते हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जा करके आप इसको फॉर्म को फिलअप कर लेना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और प्लीज़ कम से कम आप मेरे सब्सक्राइबर होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फॉर्म को आप फिलअप करके सीए ज़रूर बन लें। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।